खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 370 का मामला है वो एक बार फिर है, यानी धारा 370 खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जुलाई में इसकी सुनवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद इस सुनवाई को करेगा। ताजी जानकारी आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 23 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत होने जा रही है और ये कहा जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ये सुनवाई हो सकती है। धारा 370 जिसको लेकर खास तौर पर हमने बवाल देखा, लेकिन अभी ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो लगातार इस खबर को हम आपको बता रहे थे, लेकिन डिटेल में पांच के पंच में इस प्रोग्राम ने गुलिस्तान न्यूज पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि 23 तारीख यानी 23 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश होने जा रहा है, जिसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगा तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद और सबकी नजरें इसी सुनवाई पर रहने वाली हैं, क्योंकि 370 का मसला हमने देखा किस तरीके से इस पर बवाल हुआ। अभी भी राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बेहद अहम हो जाती है जब याचिका जो दायर की गई उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 23 मई के बाद होगी, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद, लेकिन सबकी नजरें इसलिए रहेंगी क्योंकि अब जो पीठ है वो सुनवाई को तैयार हो गया है। लेकिन ये सुनवाई में क्या कुछ रहेगा उसके लिए सीधे चलते हैं इशफाक गौहर के पास, एग्जीक्यूटिव एडिटर है, हमारे सीनियर साथी हैं, इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखे हुए थे। इशफाक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पांच के पंच में अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। इशफाक क्या जानकारी आप देंगे? कहा जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, धारा 370 खत्म करने को लेकर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्या जानकारी देंगे आप? बड़े इंतजार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो आज खबर सामने आई कि धारा 370 को लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी और जो बड़ा बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो इस पर सुनवाई करेगा। जुलाई के महीने में इस पर सुनवाई होगी। एक पॉजिटिव रिलीफ जरूर होगा जी उन लोगों के लिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ये कहा था कि 5 अगस्त का डिसीजन जो है जी वो इलीगल है, वो सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको रेक्टिफाई कोर्ट से वो करवाना चाहते थे और यही वजह कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा चुके थे, जहां पर फर्स्ट अपील में कोर्ट ने उनकी बात को सुनते हुए ये कहा था कि हम इसको लार्जर बेंच को देंगे जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को देंगे। उसके बाद काफी वक्त हुआ, कोई मामला इसमें चला नहीं और कुछ एप्लीकेशन बीच में मूव की गई, जिसमें एक एप्लीकेशन सिर्फ चंद माह पहले दी सीपीआईएम के जो स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सुब तारिगामी है वो दोबारा कोर्ट में चले गए और उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि काफी वक्त हुआ है और काफी कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए जा रहे हैं जिन पर गुफ्तगू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद आज जो समरी जारी की गई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अब अदालत के अंदर बाजाबता तौर पर इसकी सुनवाई होगी। जैसे आपने खुद कहा कि चंद दिनों की छुट्टियां हैं, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन जरूर काफी दिलचस्प मोड़ पर अब ये केस आ गया है जहां पर इसकी हेयरिंग शुरू होगी। देखना होगा कि क्या हेयरिंग डेली शुरू होगी, कंटिन्यूअस हेयरिंग होगी या वक्ते वक्ते से इस पर बात होगी। अगर ये वक्ते वक्ते से चलता है, यानी हर हेयरिंग के बाद डेट आती है, तो ये लंबा खींचेगा। अगर कोर्ट का ये मन होगा कि डेली हेयरिंग करके इस मामले को सुनना है और फैसला करना है, तब भी ये तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त लेगा, क्योंकि यहाँ से डिटेल्स जाएंगी, काउंटर एफिडेविट्स वहां से आएंगे, उन काउंटर एफिडेविट का यहाँ से दोबारा जो स्टेट की तरफ से जो पार्टियां गई वो अपना मौकफ रखेंगे। तो इस तरीके से एक जरा चलेगी, एक बहस चलेगी कोर्ट के अंदर, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम फैसला सुना सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक राहत है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के लिए, लगातार ये कह रहे थे देखिए सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुन नहीं रहा है और इतने अरसे से उनके पास याचिका पेंडिंग है, उस पर अब आहिस्ता आहिस्ता करके कार्रवाई शुरू हो गई है। चलिए इशफाक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सीनियर साथी कह रहे थे कि अभी फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि वो मांग कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट धारा 370 पर सुनवाई करे।
जो हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि बहस होगी 370 को खत्म करने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें दी जाएंगी, लेकिन ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद यह सब होगा और गुलिस्तान न्यूज बखूबी उस तस्वीर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेगा क्योंकि हर एक खबर पर गुलिस्तान न्यूज की का असर भी होता है और गुलिस्तान न्यूज हर एक खबर को दिखाता भी है 5 के 5 प्रोग्राम में खासतौर पर। लेकिन